Hey, what is up, beautiful people? It's your boy Asad Ansari here and my YouTube family. So, आप लोगों के मेरे पास बहुत दिन से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, जो कि थे मेरे कि असद भाई हमें बाल बड़े करने हैं, हम अपना हेयर स्टाइल बड़े बाल में रखना चाह रहे हैं, तो हमें आपके सजेशंस की जरूरत है, हमें आपके राय मशवरे की जरूरत है कि हम क्या करें क्या ना करें, तो इस टॉपिक पर वीडियो बना दो। और पर्सनली यार मैं इस टॉपिक पर वीडियो भी बनाने की सोच रहा था कि यार आप लोगों को जैसे मैंने बोला था कि मैं बाल शॉर्ट कराने वाला हूँ, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है बड़े बाल से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद मैं बाल शॉर्ट करा लूंगा। सो अभी इस वीडियो के अंदर मैं आज आप लोगों के साथ अपना 5 साल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो कि मैंने अपने बड़े बाल करने में, ये बड़े बालों के साथ अपना 5 साल का जो भी एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ अपना शेयर करता हूँ कि अगर आप बड़े बाल करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि बड़े बाल करने के बाद अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो उस गलती की वजह से आपके बाल को छोटा कराना पड़ सकता है, आपके बाल काटने पड़ सकते हैं, और या बाल बड़े करते टाइम आपने कुछ उल्टा सीधा कर लिया जिसकी वजह से आपका पूरा हेयर स्टाइल खराब हो सकता है। तो उस वीडियो के अंदर मैं आज आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा जो आपको करने हैं बाल बड़े करने से पहले, और किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, कौन सी बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। और हाँ गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड लेट्स रोल। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पॉइंट नंबर फर्स्ट से, जो कि आपको अपने बड़े बाल करते टाइम पर ध्यान रखना है, वो है आपका प्लान योर हेयर स्टाइल। मतलब कि जब भी आप बड़े बाल रखने वाले हैं, आपने सोच रहे हैं कि मुझे बड़े बाल रखने हैं, तो उससे पहले अपना हेयर स्टाइल आप प्लान कर लेना कि बड़े बाल रखने के बाद आपको कौन सा हेयर स्टाइल रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सबके सब बड़े बाल रखने हैं या आपको मेरे जैसे अंडर कट रखना है जिसके अंदर साइड में से बाल और पीछे से बाल नहीं रहेंगे, आपके टॉप टॉप पे बाल रहेंगे, तो आपको सबसे पहले अपने हेयर स्टाइल को प्लान कर लेना। क्योंकि अगर आप अपने बिना प्लानिंग के बस बाल बढ़ाए जा रहे हैं, सिर्फ अंडर कट रखे साइड में से छोटे करा रहे हैं ऊपर से बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर आपका बीच में मन करता है कि यार मैं साइड से अपने बाल बड़े करता हूँ, बैक से भी बड़े करता हूँ, तो आप उस कंडीशन में अपने बाल बड़े नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आपके टॉप के बाल इतने बड़े होते हैं और साइड के छोटे होते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, बट अगर साइड के छोटे से थोड़े से इतने बड़े होने लग जाते हैं ना और टॉप के पूरे बड़े हैं, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हेयर स्टाइल लगता है। और साथ ही साथ में अगर आप अंडर कट भी रखना चाहते हैं तो अंडर कट के अंदर भी बहुत सारे हेयर स्टाइल आते हैं, जैसे कि एक तो होता है हमारा नॉर्मल वाला मैन बन, कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम मैन बन रखेंगे। अब मैन बन के अंदर ये वाला मैन बन बहुत अच्छा लगता है, अगर आप चाहेंगे कि मैं बस हर टाइम मैन बन रखूंगा तो बहुत अच्छा लगता है, बट अगर आप चाहेंगे कि मैं थोड़ा खुले भी रखूंगा बाल, तो उसके लिए आपको ये वाला पूरा का पूरा स्ट्रेट कट कराना पड़ेगा। ये बहुत डिफरेंट हेयर स्टाइल है, अगर आप इसको यहां पर से अपने बाल उड़वा देते हैं तो उसके बाद आप बीच में बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़वा पाएंगे। बढ़वा गाली बनगी ना, बढ़वा नीम का पत्ता कड़वा है, मिस्टर होला भड़वा है। सो उसके बाद आप बिल्कुल भी बाल ऐसे बिल्कुल नहीं बढ़ा पाएंगे, तो सबसे पहले आपको अपना हेयर स्टाइल प्लान करना पड़ेगा कि आपको कौन सा हेयर स्टाइल रखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपने बाल बढ़ाने शुरू करने हैं। एंड नाउ जब आपने अपने बाल को प्लान कर लिया है, आपको अपने बाल को ऐसे रखने हैं, तो जाहिर सी बात है आप चाहेंगे अब मेरे बाल कटने भी शुरू हो जाएं उस तरीके से, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है पॉइंट नंबर 2, जो कि है हमारा एक परफेक्ट बार्बर। आपको सिर्फ एक, अगर आप चाह रहे हैं आप बड़े बाल के अंदर कोई भी हेयर स्टाइल रखें, तो आपको सिर्फ एक बार्बर सिलेक्ट करना है जिससे आप हमेशा से बाल कटाएंगे। जैसे कि मैं पिछले 5 साल से एक ही बार्बर से हेयर स्टाइल चेंज करा रहा हूँ, बाल कटा रहा हूँ, क्योंकि अगर कुछ भी कोई नया बार्बर के पास चला जाता हूँ और वो कुछ भी मिस्टेक कर देता है, अपने तरफ से कोई भी हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करता है, जिसके बाद अगर एक बार ही बाल कट गए तो आप लोगों को पता है कि दोबारा से बाल बढ़ने में ना बस कितनी मुश्किल हो जाता है, दोबारा बाल नहीं बढ़ पाते। तो इसीलिए आपको सिर्फ एक बार बार ढूंढ के रखना है जो कि आपके बाल को समझ सके कि आपके बाल की क्वालिटी कैसी है, आपके बाल की कंडीशन कैसी है, आपके बाल कितने दिन में बढ़ते हैं, सब कुछ हर तरीके से आपके बाल को धीरे धीरे कर वो समझ सके, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आपकी हेयर कटिंग करे, और जो भी केमिकल प्रोसेस होने हैं जैसे कि हेयर स्मूथनिंग वगैरह जो भी कुछ होना है आपके हेयर की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही करे। एंड नाउ बात करते हैं हमारे नंबर 3rd पॉइंट की, जो कि आपको बाल बड़े करते टाइम ध्यान रखना है। आपका अगर बार बार भी बोले ना, तो इस टाइम पर आपको अपने बार बार की भी नहीं सुननी है, सिर्फ आपको सिर्फ मेरी सुननी है, क्योंकि इसमें मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, जो कि है हमारा 2 से 3 महीने तक आपको अपने बाल नहीं कटाने हैं। जी हाँ, 2 से 3 महीने तक आपको अपने बाल नहीं कटाने हैं।
आप सिर्फ अपने जैसे कि शेप कर सकते हैं, आपके यहाँ से बैक साइड से शेप, आपके ईयर के पास से शेप, आपकी ये साइड बर्न्स हो गई जिसको हम कलम भी बोलते हैं, है ना, कलम भी तो बोलते हैं, हाँ जी बोलते हैं, तो इन सबको अपना प्रॉपर शेप करा सकते हैं। बट आप अपने बाल के टॉप को, इस चीज़ को 2 से 3 महीने तक मत कटाना, क्योंकि आपकी हेयर ग्रोथ होती है 1 महीने में 1 इंच के अराउंड। अब अगर आप हर महीने उसको थोड़ा थोड़ा कटा देंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार मेरे बाल तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, जबकि आप हमेशा जाकर अपने बाल कटा देते हैं सेट कराने के चक्कर में। तो जब भी आप अपने बार्बर के पास जाते हैं 3 महीने में या 2 महीने में 1 बार जाएं और उससे कहें कि सिर्फ एंड के थोड़े से बाल काटो जो कि स्प्लिट एंड हो चुके हैं या थोड़े बहुत डैमेज हो चुके हैं, उसके अलावा उससे और कुछ नहीं कटाना, उसके अलावा सिर्फ आपको अपनी थोड़ी सी शेप ठीक करानी है। एंड नाउ गाइस अब आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 4th, जो कि है हमारा जब भी आप बार्बर के पास बाल कटाने जाएंगे तो आप उससे फ्रंट साइड में और साइड लाइंस बिल्कुल भी ड्रॉ मत कराना, जो कि आजकल का इंस्टाग्राम वगैरह पे ट्रेंड चल रहा है कि फ्रंट से अपने बालों को शेप करवा लेते हैं, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। और साइड लाइंस को, साइड पार्टीशन जो होता है उस पर बिल्कुल भी लाइन ड्रॉ मत कराना। इसमें क्या होता है, जो आपका बार्बर होता है ना वो इतना ज़्यादा प्रोफेशनल या कितना भी ज़्यादा प्रोफेशनल हो, अगर उससे थोड़ा सा भी मिस हो जाता है ना, आपके साइड में से बाल कटते हुए आपका रेजर इधर उधर हो जाता है, तो उससे आपके पूरे सर की शेप खराब हो जाती है, आपका पूरा हेयर स्टाइल खराब हो सकता है। आपकी साइड के बाल छोटे हैं और उसने थोड़ा सा रेजर बड़े बाल की तरफ को कर दिया तो आपका पूरा का पूरा हेयर स्टाइल खराब। और जी फ्रंट में आपके बाल आते हैं सबके सब, अगर बाल यार हम एक ही जैसे करा लेंगे, मैं भी सामने से ऐसे करा लूँगा, आप सब करा लेंगे, तो हम सब में डिफरेंट क्या रह जाएगा, हमारी फेस शेप जो होती है ना जिस तरह सबकी अलग होती है, इसी तरह हमारे फ्रंट का हेयर स्टाइल भी सबका अलग होता है। तो बिल्कुल भी आप अपने बाल को फ्रंट से शेप मत कराना और साइड से शेप मत कराकर खराब मत कराना। एंड नाउ गाइस अब हम बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 5th की, जो कि है हमारा फाइंड बेस्ट प्रोडक्ट फॉर योर हेयर टाइप। जैसे कि हम अपने स्किन के लिए अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कोई हमारा ऑयल स्किन के लिए होता है, कोई ड्राई स्किन के लिए होता है, इसी तरह हमारे हेयर जो टाइप होता है वो अलग अलग होता है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करने पड़ते हैं। ये नहीं है कि सभी एक टाइप का शैम्पू यूज़ करेंगे सबके सर पर सूट करेगा और सबके बाल अच्छे रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब आप बाल बड़े कर रहे होते हैं तो बड़े बाल को मेंटेन रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, वरना बाल घोंसले जैसे हो जाते हैं, बहुत ही गंदे हो जाते हैं अगर उनको ध्यान नहीं रखें। तो उसके लिए आप स्टार्टिंग से, जब आपके बाल छोटे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट शैम्पू और कंडीशनर आप लोग ट्राई करते रहें, जिसके बाद आपको पता लग जाएगा कि यार ये मेरे सिर को सूट कर रहा है, मेरे बाल को सूट कर रहा है, ये सूट नहीं कर रहा है, तो मुझे ये यूज़ करना है, ये नहीं यूज़ करना है, जिसके बाद आपके बाल बड़े होने के बाद बहुत अच्छे, बहुत सिल्की, बहुत स्मूथ रहेंगे और बाल का टेक्सचर भी आपके बहुत अच्छा रहेगा। तो उसमें आपका शैम्पू, कंडीशनर, हेयर जेल, वैक्स, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग में, डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर पता कर लें कि मेरे सर को ये सूट कर रहा है, ये नहीं सूट कर रहा है। एंड नाउ गाइस अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट फाइनल और सिक्स्थ टिप की, जो कि है हमारा आपकी हेयर केयर। आपने शैम्पू तो यूज़ कर लिया है, वो आ तो आपकी क्लीनिंग के काम पर आएगा, बट आपकी जो हेयर केयर होती है ना, बड़े बाल ना आपके बहुत जल्दी डैमेज होते रहते हैं, क्योंकि वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर इतना जुल्म सहते हैं, जो कि इतना पॉल्यूशन, डस्ट, डर्ट और जो सन की हार्मफुल रेज हमारे बाल के ऊपर पड़ती हैं, जो कि हमारे पूरे बाल को डैमेज कर देती है, तो बहुत कुछ एटमॉस्फेयर के अंदर रहकर सहते हैं। तो उसके लिए हमें एक अच्छा सा हेयर मास्क यूज़ करना पड़ता है जो कि हमारे बाल को प्रोटेक्ट करे। तो उसके लिए मैंने पहले से बहुत सारी हेयर मास्क की वीडियो बना रखी है, जो कि हमारे रफ बाल के लिए, डैमेज बाल के लिए, ड्राई के लिए, सर पे अगर डैंड्रफ हो गई है उसके लिए, तो मैंने पहले से वीडियोस बना रखी है, तो जो कि आई बटन में हेयर मास्क मिल जाएगा, तो वो आपको हफ्ते में एक बारी हेयर मास्क यूज़ करना है, जो आपके बाल को बहुत ज़्यादा स्मूथ, सिल्की, सेक्सी और बहुत बढ़िया बना देगा। तो बस यही थी हमारी 6 की 6 टिप्स, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप बाल बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको इन सब बात का ध्यान रखना, उसके बाद आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सेक्सी, स्मूथ और बहुत ही अच्छे वाले बढ़ेंगे और स्पीड से भी ग्रोथ होगी। सो यही था मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन दुआ में याद रखना, और लव, रेस्पेक्ट, पीस।